आप कह रहे हैं मुझे ये पूछने वाले मैं इस देश का नागरिक हूं या नहीं। सिटीजन्स एक्ट 1955 के अनुसार जिसका जन्म यहाँ हुआ है वो हर एक इस देश का नागरिक है। मेरे पिताजी यहाँ के थे, मैं नागरिक हूँ। गरीबों के लिए जिनके पास कोई कागजात नहीं है, जिनकी एक छोटी झोपड़ी होती है कहीं गांव में, उनके लिए ये मुसीबत खड़ा करने वाला ये कानून है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानवाधिकार के खिलाफ है। इसलिए हम सारे लोगों को इसको नकार देना चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं तो ये मान रहा हूँ कि अगर मेरे पास एनआरसी के लिए कोई कागजात सरकार मांगती है तो मेरा सत्याग्रह ये होगा कि मैं ये कागजात नहीं दूंगा। आप मुझे जेल में डालिए, आप मुझे डिटेंशन कैंप में डालिए, लेकिन जो कानून हमारे संविधान के खिलाफ है उस कानून के अमल में मैं सरकार की सहयोगिता नहीं करूंगा। मैं सत्याग्रह करूंगा, जैसे कि हर्ष मंदर ने कहा है। हर्ष मंदर एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है और पहले सरकारी अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं खुद को मुसलमान मानूंगा और एनआरसी का विरोध करूंगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स एनआरसी के लिए नहीं दूंगा। मैं खुद को मुसलमान नहीं मान सकता क्योंकि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मेरा धर्म एक ही है, मानवता। इसलिए मैं खुद को नास्तिक कहता हूँ। अब नास्तिक का कोई धर्म नहीं होता, सबसे बड़ी माइनॉरिटी यही है पूरी दुनिया में नास्तिक लोगों की। लेकिन मैं अगर एनआरसी वाले कहे कि आपके डॉक्यूमेंट दे दो, तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस सत्याग्रह में शामिल होंगे? क्या आप सरकार का विरोध करेंगे? अगर कुछ गरीब लोग डिटेंशन कैंप में जा रहे हैं तो इनके साथ आप भी तैयार है डिटेंशन कैंप में जाने के लिए? अगर आप तैयार है तो ही संविधान बचेगा, अगर आप तैयार है तो ही सेक्युलर इंडिया बचेगा। नहीं तो मोदी शाह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत सेक्युलर राष्ट्र रहे, अगर ऐसे आपकी मंशा है तो आप विरोध कीजिए। घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। आप सोचते होंगे ये तो असम की बात है, ये तो नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये हमारे यहाँ तो नहीं होने वाला। आपके यहाँ भी होने वाला है। आज असम में हो रहा है, आज नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, आपके शहर में भी एनआरसी आने वाला है। अमित शाह ने तो पार्लियामेंट में कह दिया कि एनआरसी पूरे भारत में हम लोग करेंगे, तो आपके शहर में भी एनआरसी आने वाला है। आपको भी इस देश को देश से निकालने की साजिश होने वाली है, तो आप तैयार रहिए इस साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं लड़ने वाला हूँ, मुझे मालूम नहीं आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये पूरी तरह से अन्याय है। अगर आप महात्मा गांधी या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। पूरा देश लड़ने वाला है, क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें एक सेक्युलर इंडिया चाहिए, हमें भारत का दूसरा हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है।